दिल्ली की बुराड़ी में फिर कोहराम। दिल्ली के बुराड़ी में बेघर होंगे काफी लोग। बिल्डरों ने जहां फ्लैट्स बनाकर बेचे वो जगह तो सही, पर वहां कमर्शियल फ्लैट्स बनाना गैर कानूनी। यमुना किनारे रेतीली जमीन पर चार मंजिल फ्लैट्स बनाकर लोगों को बेचे, कई बिल्डर्स और अधिकारियों पर हो सकती है फौर। दिल्ली के बुराड़ी एरिया में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा 60 से ज्यादा फ्लैटों को कुछ घंटों के अंदर ही खाली करने का नोटिस दिया गया है। ये सभी फ्लैट्स शक्ति इनक्लेव के हैं जो रजिस्टर्ड है। इससे पहले पिछले एक सप्ताह में बड़ी संख्या में अवैध बनाए गए काफी बहुमंजिला फ्लैटों को गिरा दिया गया है जिनमें लोग रहने नहीं लगे थे। अब इन अवैध फ्लैटों के साथ साथ लाल डोले में बनाए गए फ्लैटों पर भी नोटिस आने से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों ने जिंदगी भर की कमाई लगाकर यहां फ्लैट खरीदे तो किसी ने बैंक से लोन लेकर यहां फ्लैट खरीदा है। शक्ति इनक्लेव लाल डोले की जमीन में बसा हुआ है जहां पर आवास बनाया जा सकता है। यहां लोगों ने रजिस्ट्रियां भी करवाई है, साथ ही हाउस टैक्स लोग दे रहे हैं। अवैध कॉलोनियों की तरह बिजली पानी तो आम बात है। फिलहाल यहां 60 से ज्यादा घरों में इस तरह के नोटिस, फ्लैटों में नोटिस आने से हड़कंप मचा हुआ है। बुराड़ी में काफी जगह पर लोगों के पैसे बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही है फ्लैटों में फंस गए हैं। हालात भट्टा पार सॉल जैसे बनते नजर आ रहे हैं। यदि शक्ति इनक्लेव की बात की जाए तो उनकी जमीन अवैध नहीं है, वह लाल डोरे के अंदर बसा है, लेकिन वहां पर लाल डोरे में रहने के लिए घर बनाना वैध होता है। लेकिन यहां बिल्डरों ने बहुमंजिला बिल्डिंग बना डाली और न ही पार्किंग आदि की दूसरी सुविधाएं दी गई। ग्रामीण इलाके के लाल डोरे में कमर्शियल प्लॉट शहरों की तरह बसाकर बेच दिए गए। इन लोगों ने जब यहां पर फ्लैट खरीदे और प्रशासन ने इन फ्लैटों की रजिस्ट्री भी कर दी, तब इन्हें किसी भी विभाग ने ये नहीं कहा कि ये फ्लैट अवैध है। अब बिल्डरों ने ये फ्लैट कमर्शियल तरीके से यहाँ पर बनाकर लोगों को बेच दिए। जब गरीबों का पैसा यहाँ पर लग गया, यहाँ अपने आशियाने लोगों ने खरीद लिए, तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिस चस्पा हो गया है कि यहाँ 60 से ज्यादा फ्लैटों को कुछ घंटों के अंदर खाली किया जाए, इन्हें सील किया जाएगा। क्योंकि जिस जमीन पर ये फ्लैट बसे हैं वे जमीन तो वैध है, लेकिन इसके ऊपर जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन किया गया है वे अवैध है, और रेतीली जमीन पर चार मंजिल इमारतें खड़ी कर दी गई जो खतरनाक भी है। अब स्थानीय लोग उनके साथ हुई नाइंसाफी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और कहना है कि वे अपना आशियाना खाली नहीं कर सकते, वे कहां जाएंगे। यहां दोषी तो वे अधिकारी। मेरा नाम अनिल कुमार है और ये हम बुराड़ी शक्ति इनक्लेव के निवासी हैं और हम लोग यहां पिछले 4 साल 5 साल से रह रहे हैं। और जब लोग यहाँ रहने आए थे तो ये सोच के आए थे कि ये लाल डोरा की जमीन है, यहाँ पर नक्शे की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये लोगों को रहने लायक सब कुछ ठीक होगा। फिर जब खरीदने गए तो पता चला कि इसके यहाँ कोई पावर टेनिंग नहीं है, यहाँ पे पक्की रजिस्ट्री है, तो सबको और भरोसा हुआ कि रजिस्ट्री है तो इसका मतलब अच्छे डॉक्यूमेंट्स उनके पास। जब यहाँ रहने लगे उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे MCD का टैक्स भी जमा कराया, प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा कराना शुरू कर दिया। और आज 4 साल बाद जो है ये सुनने को मिल रहा है कि जी आप लोग 24 घंटे के अंदर अपने मकान खाली कर दीजिए, इसको जो है यहाँ से तोड़ा जाएगा। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है सब लोगों के लिए। लोग परेशान है कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, सुबह से पूरा दिन हो गया है, ना कोई ऑफिस गया है, ना कोई कुछ खा पी रहा है, सब लोग डरे हुए हैं। और मेरी समझ में, हमारी समझ में ये नहीं आता है कि जब ये 4 साल पहले बिल्डिंग बन रही थी और जब रजिस्ट्री हो रही थी तो क्या रजिस्ट्रार को नहीं पता था ये जो मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ ये ऑथराइज है कि अनऑथराइज लोकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे यहाँ निवासियों के अंदर मन में है जिनका जवाब जो है उनको मिल नहीं पा रहा। बट थोड़ी देर पहले यहाँ विधायक जी आके गए हैं और उन्होंने बोला है कि हम सारी चीज पे बात करते हैं, आप लोगों के लिए जो बेटर सोल्यूशन होगा वो देंगे। आप लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे, महिलाएं हैं, सभी लोग मैं देख रहा हूँ इसमें सड़क पर हैं। तो अभी 24 घंटे का टाइम जो दिया गया उसको लेकर के लोगों के दिलों में क्या? सर लोग ये सोच रहे हैं कि 24 घंटे में क्या कर सकते हैं, 24 घंटे में अपने घर का सामान भी नहीं निकाल पाएंगे। और मतलब सीधा है कि हम खड़े होकर देखेंगे कि हमारा मकान टूट रहा है, लेकिन बात यह है कि 24 घंटे का नोटिस आज 4 साल बाद क्यों दिया जा रहा है? ये आज से 4 साल पहले क्यों दिया गया? ये उस टाइम आना चाहिए था जब ये बन रही थी सोसाइटी, उस टाइम होना चाहिए था। आज इस बात को लेकर खड़े हो गए हैं, इससे सारे रेजिडेंट्स यहाँ पर परेशान है। सुबह से सब लोग, बच्चे छोटे छोटे, लेडीज, जेंट्स, सीनियर सिटीजन सब नीचे खड़े हुए हैं और सबका बुरा हाल है। कहाँ पे आप लोग? जितेंद्र कुमार लूथरा नाम है, शक्ति इनक्लेव है जगह का नाम। और क्या समस्या आप लोगों की, क्योंकि पूरे कॉलोनी? समस्या ये है सर, हम यहाँ आए ये देख के कि ये लाल डोरे की जमीन है और हम ऐसी ग्रीन लैंड से यहाँ पर आए, इसलिए लिया खरीदा इस मकान को कि भैया कागज होके हैं इसलिए लोन मिल रहा है सब कुछ, इसके यहाँ पे हमने यहाँ पर फ्लैट खरीदे। ठीक है। और आज यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, और आज यहाँ पर तोड़ा जा रहा है MCD के द्वारा। अभी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है सर? आप लोगों ने रजिस्ट्री है और MCD के वो जो हाउस टैक्स जाता है उसके पेपर हैं,
बिजली के मीटर है, पानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाल डोरे की जमीन है ये। हाँ, लाल डोरे की। अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी आपने? सर RW ने कोशिश करी और कर भी रही है। क्या क्या जवाब है? जवाब यही है, जैसे अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आपको परेशान नहीं होने देंगे, इसका हल निकालेंगे।